हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी, स्वीट रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने स्वीट पोटैटो को और पोटैटो को बॉईल कर लिया है, ओके। और यहाँ पर मैंने दोनों को पील ऑफ करके भी रख लिया है, दोनों बॉइल्ड हैं। नाउ गाइस, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा ली है और गैस भी ऑन कर ली है, ओके। और ये फ्रेंड्स जो रेसिपी है बहुत ही कम घी में बन जाती है, तो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, जो बहुत ही घी वगैरह खाना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है। और घी तो वैसे बहुत अच्छी चीज होती है, बट नो प्रॉब्लम, ये थोड़ी घी में भी प्रिपेयर हो जाती है। नाउ मैं इनको अच्छे से मैश कर लेती हूँ मैशर की हेल्प से, और फिर बाद में इसको इसी घी में फ्राई करूंगी। सो गाइस, ये रहा मेरा मैशर और अब मैं इसको मैश करना स्टार्ट करती हूँ लाइक दिस। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें इसको ऐड कर रही हूँ, ओके, लाइक दिस। तो नाउ फ्रेंड्स, अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे लाइक दिस। सो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से 1 to 2 मिनट्स तक इसको इस तरह से मिक्स करते हुए हमको भूंज लेना है आपस में, और फिर इसके बाद में हम ऐड करेंगे इसमें वन बाय वन चीजें। जैसे कि सबसे पहले इसमें हम ऐड कर देंगे शुगर। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने शुगर ऐड कर दिया है। अब इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे आपस में। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, शुगर मेल्ट हुई है और ये जो मेरा मिक्सचर रेडी हो रहा है इसमें और सॉफ्टनेस आई है, बहुत अच्छी भीनी भीनी महक आ रही है, सोंधी सोंधी। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी मिल्क। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 कप मिल्क ऐड कर रही हूँ। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। किसी किसी को बहुत मीठा पसंद होता है और किसी किसी को नॉर्मल भी चल जाता है। वैसे तो इसमें आप आराम से 4 to 5 स्पून शुगर्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो स्वीट पोटैटो है वो अपने आप में भी मीठा होता है, बट कभी कभी यू नो सीठा भी निकलता है, जिसे कहते हैं कम मीठा भी निकलता है। तो आप आराम से 4 to 5 जो स्पून होता है, टीस्पून, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम प्रॉपरली आराम से धीमे धीमे मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से इसको पकने देंगे। ओनली फॉर 1 मिनट, ये बहुत जल्दी रेडी होती है। और इसमें अब हम मिलाएंगे कार्डमम पाउडर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 3 कार्डमम्स ली हैं, और इसको मैं इसमें अच्छी तरह से अपने इस छोटे से मिनी से कूटने वाली कुटनी में कूटूंगी, ओके। और फिर इसका चिकला निकाल के उसमें ऐड करूंगी इसके मिक्सचर को। सो ये देखिए फ्रेंड, मैंने चिकले अलग कर लिए और इसको मैं कूटूंगी। ये देखिए कार्डमम मेरा रेडी है, इसको मैं ऐड करूंगी लाइक दिस। अब मैं इस मिक्सचर को अच्छी तरह से फिर से ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स, इसमें जो ये स्वीट पोटैटो मिला, ये हाई इन फाइबर होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, फाइबर रिच फूड होता है, इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा होता है, ओवरऑल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और ये जो रेसिपी है हम व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि स्वीट पोटैटो व्रत में खाया जाता है, पोटैटो व्रत में खाया जाता है जैसे कि हम सब जानते हैं। तो ये जो डिश है ये बहुत अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशियस डिश है, और इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से पकाएंगे ओनली फॉर 1 मिनट। ये देखिए बहुत सोंधी और अच्छी महक आ रही है। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने शुरुआत से अभी बिल्कुल लास्ट तक जो गैस की फ्लेम है ना, वो बिल्कुल लो पे ही रखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल लो पे है, ताकि नीचे से स्टिक ना हो ये। और फ्रेंड्स, ये हमारी डिश बिल्कुल रेडी टू सर्व है, ये देखिए। और इसको ना बिल्कुल अच्छी तरह से मैश नहीं करते, छोटे छोटे जो ये बिल्कुल रह जाते हैं पीसेस, ये और अच्छे लगते हैं खाने में, क्योंकि होते तो बॉइल्ड ही हैं, तो ऐसे तो कुछ नहीं है कि ये कच्चे होंगे, बिल्कुल बॉइल्ड होते हैं, जिससे पका लिया होता है हमने घी में भी इनको, और फिर ये दूध में पक रहे होते हैं, तो बिल्कुल सॉफ्ट हो, जब जब ये मुंह में आते हो, माय गॉड व्हाट अ टेस्ट, बहुत अच्छे लगते हैं। इसको एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।